हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी लर्न आइटिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टम 10 टर्नर थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 2। इसके पहले हमने एमसीक्यू पार्ट 1 सॉल्व करके दिए थे। अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है टर्नर थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 2। इसके बाद भी आपको टॉपिक वाइज जो टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करके दिए जाएंगे और मॉक टेस्ट के जैसा ही सॉल्व करके दिए जाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच मटेरियल इज टू यूज मेक बॉडी ऑफ थ्री जॉ चक। थ्री जॉ चक की बॉडी बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है कास्ट स्टील, तीसरा ऑप्शन है अलॉय स्टील और चौथा ऑप्शन है हार्डेंट स्टील। तो जो थ्रीजा चक्की जो बॉडी है, बॉडी को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया गया था, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए जो चार ऑप्शन दिए थे इसमें से आपको चूज करने की कौन सा सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा था कि थ्रीजा चक का बॉडी बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी कास्ट स्टील हमारा सही आंसर है। कास्ट स्टील की सहायता से थ्रीजा चक की बॉडी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मार्क एक्स। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में सेंटर लेथ की एक लेथ मशीन की एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एरो के सहायता से एरो को एक्स के सहायता से दिखाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्विंग ओवर बेड, दूसरा डायमीटर ऑफ वर्क, तीसरा स्विंग ओवर कैरेज और चौथा ऑप्शन है साइज ऑफ स्पिंडल बोर। तो ये जो डायग्राम में आपको एक्स के सहायता से दिखाया गया है ये पहचानना है कि क्या है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर से बेड तक की हाइट को दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो इसे क्या बोला जाता है, स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आता है ये, तो इसे क्या बोला जाता है। चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो और इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्विंग ओवर बेड, मतलब बेड के बेड से सेंटर तक की जो दूरी है इसे क्या बोला जाता है, स्विंग ओवर बेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में एक्स के सहायता से जो सेंटर सेंटर लेथ मशीन का सेंटर लाइन है और बेड बेड के भी इन दोनों के बीच की दूरी को दिखाया गया, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा स्विंग ओवर बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक बैक प्लेट ऑफ अ थ्रीजा चक। थ्रीजा चक की बैक प्लेट बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो हमारे लेथ मशीन में चक लगे होते हैं थ्रीजा चक, उसके पीछे बैक प्लेट होता है, बैक प्लेट को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट स्टील, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा अलॉय स्टील और चौथा ऑप्शन है रॉट आयरन। तो जो थ्रीजा चक होता है हमारा, थ्रीजा चक के बैक प्लेट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल हमारा है कास्ट आयरन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन जो सही आंसर है हमारा। बैक प्लेट किससे बनाया जाता है, कास्ट आयरन मटेरियल से बैक प्लेट को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ व्हील एज एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम में दिखाया गया है जो स्पिंडल है, स्पिंडल में लगा हुआ सेंटर है और दूसरा जो टेलेस्टॉक में सेंटर लगाया गया है, इन दोनों के बीच की दूरी को एक्स के सहायता से दिखाया गया है, तो इसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है साइन ऑफ स्पिंडल बोर, दूसरा है लेथ स्विंग ओवर बेड, तीसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ द बेड और चौथा ऑप्शन जो हमारा है लेंथ सेंटर लेंथ बिटवीन सेंटर। तो यहाँ से आपको पहचानना है कि ये जो डायग्राम में दिखाया गया है एक्स के रूप में इसे क्या बोला जाता है। चार ऑप्शन में से चूज करना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेंथ बिटवीन सेंटर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिंडल में एक सेंटर है और टेलीस्टॉक में एक सेंटर है, तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी को एक्स के रूप में दिखाया गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर है लेंथ बिटवीन सेंटर, मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ जॉ ऑफ थ्री जॉ चक। जो थ्री जॉ चक होते हैं उसके जो जॉ प्लेट होते हैं उसका मटेरियल क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन कास्ट आयरन, दूसरा अलॉय स्टील, तीसरा हाई कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है मीडियम कार्बन स्टील। तो जो चक में जो जॉ प्लेट लगे होते हैं उस जॉ प्लेट को कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए जो सही आंसर है हमारा
ऑप्शन नंबर सी हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के सहायता, हाई कार्बन स्टील मटेरियल से जो त्रिज्या चक के जो जॉ प्लेट होते हैं, जॉ प्लेट को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेंटर लेथ मार्क एक्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एक सेंटर लेथ मशीन का डायग्राम दिखाया गया है और इसमें एक्स के सहायता से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये जो सेंटर आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर से बेड के लास्ट तक की दूरी को दिखाया गया है एक्स के रूप में। तो इसे पहचानना है कि इसे क्या बोला जाता है। ये भी हमारे जो लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ बेड, दूसरा द स्विंग ओवर बेड, तीसरा ऑप्शन है साइज ऑफ स्पिंडल बोर, और चौथा ऑप्शन है लेंथ बिटवीन सेंटर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो सेंटर से और बेड के एंड तक का जो पोर्शन है, इसको एक्स के रूप में दिखाया गया, तो स्पेसिफिकेशन में इसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एडजस्टेबल जॉ ऑफ अ थ्री जॉ चक। जो थ्री जॉ चक में जो जॉ प्लेट लगे होते हैं, तो वो तीनों जॉ प्लेट का जो एंगल होता है एक दूसरे के कितने डिग्री में बने होते हैं, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 118 डिग्री, तीसरा 119 और चौथा ऑप्शन है 120 डिग्री। तो जो हमारा त्रिज्या चक में तीन जो जॉ प्लेट लगे होते हैं, तो एक दूसरे के कितने डिग्री में होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारा 120 डिग्री, जो तीनों जॉ होते हैं एक दूसरे के 120 डिग्री में बने होते हैं। टोटल जो हमारा राउंड होता है, जैसे चक हमारा राउंड होता है 360 डिग्री में, तो एक एक जॉ 120 डिग्री के डिफरेंस में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन सेंटर लेथ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर लेथ मशीन का एक डायग्राम है स्क्रीन पर, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स के सहायता से एक इस पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट को हमें पहचानना है कि ये कौन सा पार्ट है सेंटर लेथ मशीन का। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कंपाउंड रेस्ट, दूसरा क्रॉस स्लाइड, तीसरा टूल पोस्ट और चौथा ऑप्शन है कैरेज। तो जो आपको ये सेंटर लेथ के रूप में, सेंटर लेथ मशीन के ऊपर एक्स के रूप में जो पार्ट को आपको दिखाया गया है, तो उस पार्ट को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से जो हमारा सही आंसर है कि जो पार्ट को दिखाया गया है उस पार्ट का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर हमारा है ऑप्शन ए कंपाउंड रेस्ट। जो लेथ मशीन का पार्ट है हमारा, उस पार्ट का नाम है कंपाउंड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज एच शेप्ड कास्ट आयरन ऑन द बेड वेज। जो ये क्वेश्चन में क्या पूछे कि लेथ बेड के ऊपर वह कौन सा पार्ट है जो कास्ट आयरन से बना होता है और एच आकार में होता है, कैपिटल एच आकार में होता है। तो लेथ मशीन का वह कौन सा पार्ट है जो कैपिटल एच आकार में होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, और कास्ट आयरन से बना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन हमारा सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा टेल स्टॉक और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जो लेथ मशीन का एच आकार में बना होता है जो पार्ट कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन उसका मटेरियल होता है और उसका शेप होता है एच, कैपिटल एच, तो उस पार्ट का नाम हमारा है जो इसका सही आंसर है सैडल। यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर हमारा ऑप्शन ए सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑन हेड स्टॉक ऑफ लेथ। ये जो आपको लेथ मशीन पे हेड स्टॉक दिखाया गया है, हेड स्टॉक का एक पार्ट है ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है टेल स्टॉक, दूसरा लेथ चक, तीसरा लेथ स्पिंडल और चौथा ऑप्शन है लेथ चेंज लीवर, स्पीड चेंज लीवर। तो यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इस पार्ट को, इस पार्ट का जो नाम है, इस पार्ट का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर सी लेथ स्पिंडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा लेथ चक होता है, तो इस स्पिंडल के ऊपर ही लगाया जाता है। तो ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी लेथ स्पिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लेथ स्लाइड्स ओवर द बेड वेज बिटवीन हेड स्टॉक एंड द टेल स्टॉक। लेथ का वह कौन सा भाग, हेड स्टॉक कौन सा भाग है जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच बेड के ऊपर स्लाइड करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो लेथ मशीन का वह कौन सा पार्ट है जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच बेड के ऊपर स्लाइड करता है।
इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड स्क्रू, दूसरा फीड रॉड, तीसरा कैरेज और चौथा ऑप्शन है स्पिंडल। तो जो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच जो स्लाइड करता है उस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर सी कैरेज। कैरेज हमारा हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच बेड के ऊपर होता है, जो हम करते हैं, जब वर्क करते हैं हम, तो उसके हिसाब से हमें इधर उधर स्लाइड करते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन कोन पुली हेड स्टील ऑफ लेथ? खरा मतलब लेथ के कोन पुली हेड स्टील में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा है कोनपुली हेड स्टॉक। जो लेथ मशीन के दो हेड स्टॉक होते हैं उसमें से जो हमारा यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो है कोनपुली हेड स्टॉक। तो एक्स के रूप में जो कोनपुली हेड स्टॉक के पार्ट को दिखाया गया है उस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कोनपुली, दूसरा बुल गियर, तीसरा पिनियन और चौथा ऑप्शन है चक। तो इसका जो सही आंसर है, जो एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट है उस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर बी बुल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप टेपर इज प्रोवाइडेड एट द हॉलो एंड ऑफ द टेलेस्टॉक बैरल स्पिंडल? टेलेस्टॉक के स्पिंडल खोखले सिरे पर किस प्रकार का टेपर दिया होता है? जो लेथ मशीन का जो टेलेस्टॉक होता है उसके स्पिंडल के अंदर कौन से टाइप का टेपर कटा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन है जर्नो टेपर, दूसरा मोर्स टेपर, तीसरा मेट्रिक टेपर और चौथा ऑप्शन है ब्राउन एंड शार्प टेपर। तो जो टेलेस्टॉक बैरल या फिर टेलेस्टॉक जो स्पिंडल के अंदर जो थ्रेड कटे हुए, थ्रेड नहीं, जो टेपर कटे होते हैं, जो टेलेस्टॉक स्पिंडल रहे या फिर ड्रिल मशीन के जो स्पिंडल होते हैं, ये इनके अंदर एक ही प्रकार के टेपर कटे होते हैं, तो वो हमारा टेपर जो है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन त्रिज्या चक्र? यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिज्या चक्र का एक डायग्राम दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में एक्स के रूप में जिस पार्ट को दिखाया गया है इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन हमारा है जॉ, दूसरा बैक प्लेट, तीसरा पिनियन और चौथा ऑप्शन है क्राउन व्हील। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर डायग्राम में दिखाया गया है एक्स के रूप में, ये आपको गोलाकार में दिखाया गया। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट का नाम है हमारा आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्राउन व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गियर्स आर असेंबल्ड इन टम्बलर गियर मैकेनिज्म? टम्बलर गियर मैकेनिज्म में कितने गियर होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 गियर, दूसरा ऑप्शन 3 गियर, तीसरा ऑप्शन है 4 गियर और चौथा ऑप्शन है 5 गियर। तो जो टम्बलर गियर यूनिट होता है, तो टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है हमारा कि टम्बलर गियर मैकेनिज्म में कितने गियर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 3 गियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेथ बेड? तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है हमारा लेथ बेड का। तो ये कौन से टाइप का बेड है हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वी बेड, दूसरा गैप बेड, तीसरा फ्लैट बेड वे और चौथा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन बेड। तो ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो डायग्राम में देख सकते हैं ये जो आपको बेड दिखाई दे रहा है इस बेड का जो नाम है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉम्बिनेशन बेड। कॉम्बिनेशन बेड क्यों बोला गया इसे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा वी आकार में बना है एक साइड और इसका दूसरा साइड फ्लैट आकार में बना है। तो ये दोनों का कंबाइन होने के वजह से इसे क्या बोला गया है, कॉम्बिनेशन बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर द ड्राइवर पिन इज यूज्ड, मतलब ड्राइवर पिन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो ड्राइविंग पिन होता है वो पिन कहाँ पर उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइविंग प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा एंगल प्लेट और चौथा ऑप्शन है फेस प्लेट। तो जो ड्राइविंग पिन होता है, ड्राइविंग पिन का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ड्राइविंग प्लेट। ड्राइविंग प्लेट में ड्राइविंग पिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ कंपाउंड रेस्ट मार्क एक्स? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर जो डायग्राम है कंपाउंड रेस्ट का पूरा,
हर एक पार्ट को डिसेम्बल करके दिखाया गया है। तो इसमें से एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसके लिए पहला ऑप्शन दिया है जीभ, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है सुवेल बेस। तो जो आपको ये पूरा कंपाउंड रेस्ट का डिसेम्बली करके हर एक पार्ट को अलग अलग से दिखाया गया है, तो इसमें से एक्स के रूप में जो पार्ट को दिखाया गया था उस पार्ट का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुवेल बेस, ये जिसके ऊपर डिग्री की मार्किंग कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो एसेसरी हैज प्रोवाइडेड यू स्लॉट, निम्नलिखित में से किस एसेसरी में यू स्लॉट प्रदान किया जाता है। मतलब ये जो आपको ऑप्शन दिखाई ऑप्शन बताया गया है, जैसे पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट और चौथा ड्राइविंग प्लेट, तो इनमें से कौन से एसेसरीज में यू स्लॉट कटे हुए होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जिस पार्ट के जिस एसेसरीज लेते एसेसरीज के ऊपर यू स्लॉट कटे होते हैं उस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर बी, एंगल प्लेट। और यू स्लॉट क्यों कटे होते हैं, क्योंकि जो आपको क्लैम्प करना है अगर होता है फेस प्लेट के सहायता से, तो उस समय जो आपको क्लैम्पिंग करने के लिए नट बोल्ट लगाया जाता है यू स्लॉट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेथ एसेसरी शो, यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाया गया है, तो यह डायग्राम में लेथ एसेसरीज का कौन सा पार्ट है यही पूछा गया था, ये हमें पहचानने की यह डायग्राम कौन से पार्ट का है। तो ये यहाँ पर आप दिखाई देख सकते हैं, इसके लिए पहला ऑप्शन है फिक्स स्टडी, दूसरा ट्रैवलिंग स्टडी, तीसरा रोलर स्टडी और चौथा है कैटेड। तो जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है लेथ एसेसरीज, तो ये जो हमारा ऐसी सीरीज है इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, ट्रैवलिंग स्टडी, ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसेसरी इज यूज्ड इन बिटवीन सेंटर वर्क के बीच में किस एसेसरीज को इस्तेमाल किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो सेंटर टू सेंटर हम जॉब जॉब करते तो उस समय लेथ एसेसरीज का कौन से लेथ एसेसरीज का उपयोग किया जाता है। उसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा थ्री जॉ चक और चौथा ऑप्शन है फोर जॉ चक। तो इसका जो सही आंसर है कि सेंटर वर्क के बीच जो एसेसरीज यूज किया जाता है उस एसेसरीज का नाम है ऑप्शन नंबर बी, कैच प्लेट। कैच प्लेट का उपयोग करते समय बिटवीन सेंटर के जो कैच प्लेट होता है उसमें एक लाइव सेंटर होता है और दूसरे भाग में जो टेलीस्टॉक होता है उसमें डेड सेंटर के बीच में हम जॉब को बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गियर सेट का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें से एक्स के रूप में एक पार्ट को दिखाया गया है। तो इस पार्ट ये जो गियर है तो ये कौन से टाइप का गियर है, मतलब इस गियर का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर गियर, दूसरा मेन स्पिंडल, तीसरा स्पिंडल गियर और चौथा है टम्बलर गियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टम्बलर गियर होता है, जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि टम्बलर गियर में कितने यूनिट, टम्बलर गियर मैकेनिज्म में कितने गियर होते हैं, तीन गियर। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये हमारा टम्बलर गियर है, नीचे वाला जो है ये ड्राइवर है। तो आप जो क्वेश्चन में पूछा था एक्स के रूप में एक जो गियर है इस गियर का नाम है स्पिंडल गियर, ऑप्शन नंबर सी, स्पिंडल गियर। जो लेथ जो हमारे स्पिंडल होता है उससे अटैच होता है सबसे पहला नंबर का गियर, उसके बाद होता है टम्बलर गियर, उसके बाद ड्राइवर, फिर आइडलर और ड्रिवन होता है। जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमारा एक्स के रूप में जो दिखाया गया उसे बोला जाता है स्पिंडल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो इज वर्क होल्डिंग डिवाइस, निम्न में से कौन सा एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। वर्क होल्डिंग डिवाइस मतलब जिस डिवाइस के सहायता से हम जो जॉब होता है जॉब को पकड़कर होल्ड करते हैं उसे बोला जाता है वर्क होल्डिंग डिवाइस। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैच प्लेट, दूसरा फेस प्लेट, तीसरा ड्राइविंग प्लेट और चौथा ऑप्शन है फोर्जा चक। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, तो जो आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें से जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर्जा चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग मेथड इज टू बी यूज्ड इन हाई डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटी इन नीडेड, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि
यदि उच्च स्तर की सांद्रता की आवश्यकता हो तो कौन सी कार्य धारण विधि का उपयोग किया जाता है? कॉन्सेंट्रेसिटी मतलब आपको एकदम एक्यूरेसी में, अगर आपको जॉब को होल्ड करना है तो इस समय किसका उपयोग किया जाता है, कौन से मेथड का उपयोग करते हैं हम, कौन से होल्डिंग मेथड का उपयोग करते हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा फोरजाचक, तीसरा थ्रीजाचक और चौथा ऑप्शन है इन बिटवीन सेंटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसके लिए जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन बिटवीन सेंटर। बिटवीन सेंटर में जॉब को लगाने के बाद सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रिसिटी में हम प्रूव कर सकते हैं जॉब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड इरेगुलर शेप जॉब, जो अनियमित आकार के जॉब होते हैं उसे होल्ड करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है फोरजाचक, दूसरा थ्रीजाचक, तीसरा ऑप्शन है फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है कैच प्लेट। अनियमित आकार मतलब जो ऑड लेग आकार के होते हैं, जैसे रेगुलर आकार नहीं होते, जिसमें जैसे हमारा रेगुलर आकार कौन सा होता है, अगर हम थ्रीजाचक में अगर कोई भी जॉब बांधते हैं तो राउंड जॉब होते हैं या फिर हेक्सागोनल आकार के जॉब हम बांधते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इरेगुलर शेप के जो जॉब होते हैं उसे कौन से इसमें वर्क होल्डिंग डिवाइस में बांधा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी यूजिंग द एंगल प्लेट एंड काउंटर वेट, एंगल प्लेट और काउंटर वेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा ड्राइविंग प्लेट और चौथा ऑप्शन है फोर्जा चक। जो क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल प्लेट और काउंटर वेट का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ये, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज फॉर मार्क मेकिंग लेथ बेड, लेथ बेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, मतलब लेथ बेड को तैयार किया जाता है उस समय कौन से मटेरियल से लेथ बेड को बनाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है पिग आयरन, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा ग्रे कास्ट आयरन और चौथा ऑप्शन है नोडुलर कास्ट आयरन। तो जो लेथ बेड का मटेरियल होता है, तो लेथ बेड का जो मटेरियल होता है इसके लिए जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेंटर लेथ मेक एंगुलर मूवमेंट, केंद्र खराद का कौन सा भाग कोणीय गति करता है, मतलब जो सेंटर लेथ होता है सेंटर लेथ का कौन सा भाग हम एंगुलर में फिट दे सकते हैं, एंगुलर फिट दे सकते हैं जिसके सहायता से, इस तरह से भी हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि लेथ मशीन का भाग कौन सा भाग है जिसके सहायता से हम एंगुलर फिट दे सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है कंपाउंड स्लाइड। तो जो पार्ट हम जिस पार्ट की सहायता से हम एंगुलर फिट दे सकते हैं उस पार्ट का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड क्योंकि जब हम कोई भी टेपर टर्निंग करते हैं कंपाउंड स्लाइड की सहायता से तो देखते हैं कि कोणीय मतलब एंगुलर फिट से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्क्वायर स्लॉट प्रोवाइडेड ऑन ऑन द टॉप ऑफ द पिनियन ऑफ अ थ्रीजा चक, जो थ्रीजा चक के पिनियन होते हैं पिनियन के ऊपर जो स्क्वायर स्लॉट बनाया जाता है तो उसका स्क्वायर स्लॉट बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सेट चक ऑन मशीन, दूसरा ऑप्शन है टू सेट द बैक ऑन द मशीन, तीसरा ऑप्शन है टू अकोमोडेट द चक की और चौथा ऑप्शन है टू सेट द बॉडी ऑफ द चक इन स्पिंडल। तो जो थ्रीजा चक के जो पिनियन होते हैं पिनियन के ऊपर जो स्क्वायर स्लॉट कटे हुए होते हैं तो स्क्वायर स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है, तो इसके लिए जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू अकोमोडेट द चक की, मतलब जो पिनियन हमारा होता है पिनियन में हम चक्की को फिक्स करके कोई भी जॉब को हम टाइट करते हैं, मतलब जॉब को बांधते हैं या फिर जॉब को रिलीज करते हैं, जिसके लिए जो जो चक्की जहाँ पर हम बिठाते हैं उसी जगह पर स्क्वायर स्लॉट बना होता है जिसे पिनियन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्विंग ओवर बेड, स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। स्विंग ओवर बेड मतलब जो जैसे हमारा लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन है उसमें से स्विंग ओवर बेड से आप क्या समझते हैं, मतलब स्विंग ओवर बेड किसे बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है डायरेक्टली मैं आंसर बताते हैं कि व्हाट इज द स्विंग ओवर बेड, स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है, जो
लेथ बेड होता है, लेथ बेड के ऊपर हम जब सबसे ज्यादा डायमीटर के जॉब को जिसके ऊपर हम टर्न कर सकते हैं उसे बोला जाता है स्विंग ओवर बेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द स्विंग ओवर बेड, तो इसका जो सही आंसर है जैसे मैंने बताया तो उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लेथ एक्सिस टू टॉप ऑफ बेड, जो सेंटर लेथ मशीन का जो सेंटर है सेंटर से बेड तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोला जाता है स्विंग ओवर बेड। तो उसके डबल डिस्टेंस के डायमीटर को हम लेथ मशीन के ऊपर टर्न कर सकते हैं। इस तरह से हमने पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। जो हमारा टॉपिक था इसका डीआरडीओ सेप्टम टेन टर्नर थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 2, इसके बाद भी हम आपको हर एक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करके देंगे। और इसी तरह से अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक जरूर करें।